जिसका एक सहार ही काफी है। हार को भी हार माननी पड़ेगी आज, हार को भी हार माननी पड़ेगी। बस थोड़ा सा इंतजार और बाकी है, थोड़ा सा इंतजार और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, हम वही कर्मचारी हैं जो मर्यादा के अंतर्गत में रह करके काम करते हैं, और हमारी मर्यादा पूर्वक मांग को सभी ने, मैंने इस मांग को लड़ने के लिए, शायद इसमें नरेंद्र भाई वगैरह भी उसमें रहा होगा, भोपाल तक की यात्रा के लिए अपन लोग गए थे, और हमारे प्रिय मित्र ने इशारा दिया मुझे आंदोलन में, जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, महासमुंद मध्य प्रदेश का जब शासन चलता था, उस समय से हम लोग लड़ते लड़ते और राधेश्याम शर्मा जी के इशारा में मंदिर हसौद में हम लोगों को 22 दिन के जेल यात्रा के भी, उसमें हम लोग जेल यात्रा भी किए हुए हैं। भला बताइए ये साधारण पीड़ा है क्या? मेरे को तो लगता है कि ये तो घोर पीड़ा है, और इस पीड़ा को साल पर साल, वर्ष पर वर्ष हम चिल्लाते चिल्लाते आ रहे हैं। मित्र लोग आप ध्यान देंगे, यहां पर अच्छे अनेक प्रकार के पार्टी के नेताओं भी यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनको गर्भस्थ प्रार्थना भी करता हूं, निवेदन करता हूं उनका, और जिसने हमारे मनोबल को, हमारे संघ के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे साथ कंधे में कंधा मिला करके हमारे इसी यहूदी को सफल बनाने के लिए आए हैं, वह जो है सम्माननीय है, हमें उनका हृदय से मैं उनका आभारी हूं। प्रिय मित्रों, यह बड़ा आश्चर्य और अजीब की बात है, मैंने अपनी जीवन काल में देख लिया एक झाड़ू लगाने वाले संघ बना हुआ है, अरे और तो नाली साफ करने वाले का संघ बना हुआ है, सभी ने अपने संवैधानिक मांग के लिए आंदोलन किए हैं, और सभी का कुछ ना कुछ उन लोगों की मांग पूरा हो जाता है। मैं छोटे स्तर से ले लिया हूं, झाड़ू को हारने वाले, बर्तन मांगने वाले, नाली साफ करने वाले, इन तक कभी इन लोगों ने मांग को पूरा करते मैंने देखा हूं। दुर्भाग्य है कि कितना पापी हो गए ये सहकारी समिति के कर्मचारी, पता नहीं वरुण देव उठ गया है कि कामदेव रूठ गया है, पता नहीं कुबेर भगवान रूठ गया है, या यहाँ बेईमानी करने वाले नेता रूठ गए हैं, ये हमारे समझ से परे हैं। सभी का मांग पूरा होते देखा गया, लेकिन सहकारी समिति के कर्मचारियों को आज तक इज्जत के दृष्टि से किसी ने नहीं देखा, किसी ना अधिकारी देखा है, ना कोई प्रशासनिक देखा है, ना शासन देखा है, कोई नहीं देखा इनको सम्मान की दृष्टि से। कि आप ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तो क्या आप सब तैयार हैं? तैयार है, सब तैयार है, तो पर तैयार है, आप ऑर्गेनाइज, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी तैयार है, लेकिन फिर भी हुआ है लोग, मैं बहुत बड़ा हूँ हमारे समिति प्रबंधक, हमारे समिति के प्रभारियों से, जो अपना दायित्व तो नहीं समझ रहे हैं, दायित्व तो बहुत समझ रहे हैं, और अपने ऑपरेटर को, अपने रिस कर्मचारियों को सोसाइटी ताला बंद करके भी काम करवा रहे हैं, बहुत दुखी हूँ मैं इस बात से। मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्रबंधक है, जितने भी समिति के प्रभारी है, अपने अन्य पूरे कर्मचारी पूरे का उपस्थित हो, उसके बाद आप और गिरफ्तारी होगा, आप बिल्कुल हम सफल होंगे, उसे सरकार को झुकना होगा, हम झुका करेंगे इस बार। दोस्तों, संग्राम की बात करूंगा मैं, लड़ाई हमने बहुत लंबा समय लड़ा है, मैं तो पुरानी हूँ, जो भोपाल में भी जाके आंदोलन में शामिल हुआ हूँ,
सोच में हम लोग वही करते हो गए, तो मैं भोपाल की रैली में शामिल हुआ हुआ है। वहाँ भी हम प्रकाश साहू जी जो महासमुंद के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मैं हमारे महासचिव नरेंद्र साहू से निवेदन करता हूँ कि हमारे जय प्रकाश साहू जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर है। अरे नमस्कार, संख्या में हमारे भाई लोग पहुंचे हुए हैं, बहुत गदगद हो गए हम लोग, बहुत ही आनंदित हैं। चुल्ली और पानी में डूब जाना चाहिए। आज हमारे बीच में पंकज साहू जी भी उपस्थित हुए हैं, मैं सादर निवेदन करता हूँ, और तुलाराम भाई साहब भी हैं, आप आए दोनों और यहाँ अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय पंकज साहू जी और हमारे तुलाराम भाई साहब, आइए आप लोग। तो आप मतलब बता रहे हैं कि सहकारी समिति में कैसन टाइप के समस्या है, कैसन टाइप के पीड़ा है, कैसन टाइप के दर्द है, हम ना जानता, दूसरा आदमी नहीं जाना। कितना दबाव शासन के, कितना दबाव प्रशासन के, दिल आज हम छोटे छोटे कर्मचारी सही के अपन धन तन मन धन लगा के समिति में सेवा करने चले आते। आवाज ये स्थिति निर्मित हो गए कि हम बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। आज हमारे सहकारी समिति के अस्तित्व खतरे में है, बंद होए के कगार में है। आवाज इन्हें बचाए पर आज सहकारी आंदोलन सहकारी समिति के कर्मचारी के माध्यम से करे जाते। भाई मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि धान खरीदी की जो समस्या है, धान खरीदी की जो समस्या है आज बहुत बड़े गंभीर समस्या है। और धान खरीदी की समस्या, धान खरीदी का देख लो, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक लगातार काम काम काम, लगातार शासन के द्वारा दबाव दबाव दबाव, कतेक कमी, कतेक अपन आपका दबाव में डाली, कतेक आप अपन हम अपन टेंशन में डाली, आज बहुत ज्यादा हो गए, हाथ से बेहाल हो गए, हाथ से सार हो चुके। अब ये आंदोलन लगातार शांतिपूर्वक ढंग से अपन बीच में सामंजस्य बना के शासन प्रशासन निवेदन कर, शासन प्रशासन के गुहार लगा दी, ओकर बाद भी शासन के आंखी खुलने वाला नहीं है। शासन के तरफ से हमार लिए किसी भी प्रकार के ओखर प्रावधान नहीं है। छह महीना से 7 महीना 8 महीना और अभी जो हमारे घर भाई साहब बताते कि अभी तक के धान ले, तो ये काय हमारे रखवाली घर बैठे रही, ओखर ठेकेदारी करी, हमारो घर परिवार है, हमारो बाल बच्चे है, हमारा सामाजिक जीवन जीना है, हमारा पारिवारिक जीवन जीना है, कि केवल एक धान खरीदे राखत रही, ओखर पीडीएस दुकान के रखवाली करत रही, ओखर राजीव गांधी न्याय योजना के काम में 24 घंटा दिन और रात करत रही, थोड़ा से लेट हो थे, थोड़ा बहुत देरी हो थे, तुरंत दबाव आ थे। चारों मुड़ा दे धंधा दे,
चारों मुला में गंगा गे, चारों मुला में गंगा गे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे उद्बोधन के लिए हमारे संगठन में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक बार ताली बजा के हड़ताल का नारा लगाएंगे। जोर जोर ताली, हड़ताल, 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 पूरी कराओ, पूरी कराओ, पूरी कराओ, पूरी कराओ। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमको राशन कौन दे, हमको राशन कौन दे। तैयार है, तैयार है। आर पार की लड़ाई बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तैयार है, लेकिन फिर भी हुआ है हम लोग। मैं बहुत नाराज हूँ हमारे समिति प्रबंधक, हमारे समिति के प्रभारियों से, जो अपना दायित्व नहीं समझ रहे हैं। दायित्व बहुत समझ रहे हैं और अपने ऑपरेटर को, अपने रिस कर्मचारियों को सोसाइटी ताला बंद करके भी काम करवा रहे हैं। बहुत दुखी हूँ मैं इस बात से। मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्रबंधक है, जितने भी समिति के प्रभारी है, अपने रिस पूरे कर्मचारी पूरे का उपस्थित हो, उसके बाद आप और गिरफ्तारी होगा। आप बिल्कुल हम सफल होंगे। सरकार को झुकना होगा, हम झुका करेंगे इस बार। लोगों संग्राम की बात करूंगा मैं। लड़ाई हमने बहुत लंबा समय लड़ा है। मैं तो पुरानी हूँ, जो भोपाल में भी जाके आंदोलन में शामिल हुआ हूँ। 300 समय का नौकरी करते हो गया, दो बार भोपाल के रेलवे में शामिल हुआ हूँ मैं। वहाँ भी हम नहीं भर पाई माफ है या गवर्नमेंट उसको करे। ये कोई जायज मांग है कि नजायज मांग है, बताइए आप लोग। बहुत तीव्र बात है। आपने हमको दान भेजे के रूप में चरवाहा रखा है, हमने अपना काम कर दिया। हम नहीं उठाया तो मारपे की गलती है, सरकार की गलती है, उसमें हमारा कोई गल नहीं है उठाव करवाने में। और मैं तो चाहता हूँ इस बार, मैं कहता हूँ इस बार, यदि 72 घंटे के अंदर उठाव नहीं होता है, सफल इन्हीं से दो गुना हम खाली कर लिए, उसके बाद सदा धान खेती बंद करेंगे। इस बार धान खेती बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा। ईमान के चलो, इस बार महासंघ को ये फैसला लेना पड़ेगा। यदि सफल मिनट है, जहां जगह उसे दो गुना धान होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक खरीदी को बंद करना जरूरी है। तभी हमारा समय भी बचेगा और हमको सम्मानजनक वेतन भी मिल सकेगा। दूसरा मांग दोस्तों, जो बहुत पहला मांग है, आज मांग यही है, वेतन प्रबंध के अनुदान। ये बहुत भारी चीज नहीं है। कितना दो मांग रहे हैं लोग, हम लोग मांग रहे थे 50 करोड़। 50 करोड़ में 2058 समिति में भाग देकर देखो कितना मिलेगा। एक साल में भाग दिए हम लोग, नहीं दिए। एक बार अपना भाग करके देखे कितना मिलता है, वो भी बहुत कम है। नाम मात्रे की मांग है, उसको भी सरकार घुमा घुमा कर रहे हैं और आंदोलन करने पे हमें विरोध कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि दूसरा मांग भी कोई बड़ा मांग नहीं है, सरकार चाहे तो बिल्कुल इसको लागू कर सकता है। अभी आप लोगों ने कल पेपर में पढ़ा होगा, समाचार में देखा होगा, आदरणीय खाद्य मंत्री श्री भगत सिंह का स्टेटमेंट मैंने भी दिल्ली में देखा है। उनका कहना है सहकारी समिति यदि आंदोलन करी है, अनिश्चित टाइम हड़ताल में है,
तो इसमें धान खरीदी प्रभावित नहीं होगा। मेरा चैलेंज है आप धान खरीदी करके दिखाओ। आपके विभाग में हम तो उनके विभाग हैं जी शासन के, आपके जितने भी विभाग हैं पूरे अमला को लगा दीजिए। अभी एक अमला को आपने लगाया है, आप सबको पता है किसको लगाया अभी? कृषि विभाग। अब जाके देखो कृषि विभाग के कर्मचारियों को हालत खराब हो गया है। सारी काम हम कर रहे हैं फिर भी उनका हालत खराब हो गया है। मैं तो कहता हूँ उनको भी धान खरीदे एक बार लगवा के देखो, और ऐसा लोग बताता है तो हम स्वागत करेंगे और आंदोलन भी समाप्त कर सकते हैं। आप बोल के देखो एक बार कि आप लोग जाओ हम धान खरीदी नहीं करवाएंगे। हम बृहत सागर तालाब में बैठने का हमको किसी को शौक नहीं है। ये बहुत बड़ी मांग है दोस्तों। अभी 2500 रुपए में धान खरीदी करता है भूपेश सरकार। कितने रुपए का भावांतर राशि किसानों को देता है? लगभग 600-700 के बीच में किसानों को पर कुंटल देता है। 50 करोड़ कौन सी भारी चीज है? है कोई भारी चीज? लेकिन वो हमको तुच्छ समझते हैं। सहकारी समिति कर्मचारियों को सरकार तुच्छ समझती है। शेर प्रभु के सरकार नहीं, इसके पहले 15 साल रमन सरकार का भी वही हाल था। कब तक हम सहन करेंगे? कब तक करेंगे? या तीसरे पार्टी को देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखना है। ये आर पार की लड़ाई है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं संगठन मंत्री हूँ, संगठन की बात ज्यादा करूंगा। सभी से निवेदन करूंगा मैं कि जितने भी हमारे साथी जो नहीं आ रहे हैं, जो ससुराल में पिकनिक मना रहे हैं, कोई कोई अमरकंटक गए हैं, कोई जगदलपुर गए हैं, बालाघाट गए हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप झरना में नहाओ लेकिन यहाँ अपना भी योगदान दो। यही समय है योगदान देने का। एक बार योगदान दे दो, एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए, उसके बाद आप छुट्टी लो ना जी। आप जाओ तीरथगढ़ जाओ, अमरकंटक जाओ, और जहाँ जाना वहां जाओ, समुद्र में जाओ, गोवा जाओ, बहुत अच्छा मौसम रहता है सुनने में आया है। एक बार मान तो पूरा करा लो आप लोग। बोले भारत माता की जय। बोल आगे यार, मैं जब जब तो हाथ ऊपर करे करवाई तो मजा था। मोदी भारत माता की जय। भारत माता की जय। आदरणीय भूपेश सरकार जी, आप सबको मालूम है कोरोना काल में सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा किस तरह काम किया गया है, आप सब समझते हैं। आपके खाद्य मंत्री का मालूम है, सहकारिता मंत्री का मालूम है, आपको स्वयं मालूम है। यही सहकारी समिति कर्मचारी के लोग हैं, हमारे जो विक्रेता भाई हैं, जो टेबलेट के माध्यम से गरीब लोगों को राशन प्रदान किया है कोरोना काल में। सोचिए कितना बड़ा काम किया है हमारे विक्रेता भाई। अपने जोर लगता नहीं हो जाइए आपको। यदि हम उस समय हड़ताल में रह जाते तो सोचो क्या होता हालत, क्या छत्तीसगढ़ आज जीवित रहता? बोलो रहता जीवित? नहीं रहता। राशन हमने बांटा है कोरोना काल में, बहुत बड़ी बात है। हमको गर्व है हम पे, हमारे विक्रेता भाइयों के ऊपर गर्व है। एक बार ताली में जोर रहा हूँ उसके लिए। किसी भी विक्रेता भाई ने कोरोना काल में ये नहीं कहा कि हड़ताल करो या मैं घर में बैठूंगा। क्या उसको जान की परवाह नहीं था? बिल्कुल था उसको भी, उनके भी घर परिवार है। लेकिन फिर भी सेवा भावना देखिए, क्योंकि सेवा सहकारी समिति में कार्य थे हम लोग। हमारी सेवा भावना देखिए भूपेश जी, आपको हमारी आवाज कहाँ सुनाई देगी? आप तो हम लोग भाई की सरकार बैठ के बना करके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मनन करें, मनन करें, आपको समझ आएगा कि कोरोना काल में यही सोच में लोग है जो गरीब को आपके द्वारा मुफ्त में दी गई राशन को कैसे वितरण किया है। जिस गरीब के यहाँ वो तोर काला दिया रुकना है तोरे काम में। सभी काम लंबे का होते हैं, काम बाहर में भैया। भूपेश सरकार जी, आपको मनन करना चाहिए, वास्तव में मनन करने की दिन आ गया है। आज मनन नहीं करेंगे तो 2.5 साल आपको बहुत महंगा पड़ेगा। 2.5 साल बहुत महंगा पड़ेगा। यही हमारे लिपिक बंधु है, यही हमारे सहायक समिति प्रबंधक और यही समिति प्रबंधक है जो यहाँ आपके दरबार में बैठे हैं, जिन्होंने किसान भाइयों को नगद खाद, नगद ऋण वितरण, खाद और बीज का वितरण किया कोरोना काल में। तो कोरोना काल हमने निपटाया। भारत माता की, शेर से आई हूँ, शेरनी हूँ मैं, जिसका एक सहारा ही काफी है। शेर
गांव से आई ट्रेवलिंग मैं जिसका एक दहाड़ ही काफी है। हार को भी हार माननी पड़ेगी आज, हार को भी हार माननी पड़ेगी। बस थोड़ा सा इंतजार और बाकी है, थोड़ा सा इंतजार और कर्मचारी एकता। आज जो अवसर मिले हम संघर्ष करे के और लड़ाई लड़े के, आज के आखिरी लड़ाई है। अंतिम लड़ाई में हमला सब सहयोग और समर्पण से अपन पूर्ण हिम्मत और साहस से साथ निभाना है। सब कर्मचारी भाई मल्ला मोर जय जोहार प्रणाम जय राम। शासन के सब काम में हमन करता पीडीएस अपना माथा पच्ची के काम है। पीडीएस के जो विक्रेता पद में हमन हन वो मल्ला अधिकारी मन कहा कही के संबोधित करते सुनो। चोर सीधा बोलते कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है सेल्समैन मन के, न ही सहकारी समिति कर्मचारी मन के। जे हर घर में राशन पहुंचाते वही विक्रेता आज भूख मरत है। ओगर वेतन नहीं मिलत है 8 महीना 10 महीना के, कितना दुख के बात है, कितना शर्म के बात है। सरकारी कर्मचारी के जितना कर्मचारी गए सब अपन जी जान से मेहनत लगाओ। शायद 10-15 साल से हम कोशिश ही करते हैं, सिर्फ कोशिश एक वजह से हमारे कोशिश बाकी रह जाते और हार मानना पड़ जाते, मतलब पीछे हटना पड़ जाते। लेकिन अब कोशिश नहीं, कोशिश कर करके बहुत थक गए, अब सीधा जी जान लगाना है। कोशिश करने वाला अक्सर हार जाते। जब कोई आदमी गहराई में जाके कोई तूफान में फंस गए या डूब गए तो वो जगह कोशिश काम नहीं आए, कोशिश करके तो पता है कि डूब के मर जाए, पक्का पता है। वो जगह जी जान से करना पड़ी, नहीं आता वो सीखना पड़ी, वो जगह मेहनत करना पड़ी। कोई भी सपना एक जादू से हकीकत नहीं बने, सपना का हकीकत बनाए बर दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ते। तो हमारे संघर्ष लगी दृढ़ संकल्प से और कड़ी मेहनत से लड़ाई लड़ना है। जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होगी तब तक यहाँ से हटना नहीं है। सब अपन अपन कमर कस लो, काकरों कन्हैया पोछकर तो नहीं है भैया, संतरी वाला भैया, सब अपन अपन कमर कस ले ना। अपन आइट साइड वाला भी देख लो, बांध के चलना है ना, एक साथ लड़ाई लड़ना ही है। वापस नहीं लाना है भैया, एक बार वापस हो गए तो फिर जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सके। बार बार ऐसे मौका नहीं मिले, बहुत अच्छा समय है, अच्छा अवसर है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है, दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हम हताश होकर निखरने वाले नहीं, संघर्ष करके निखरने वाले हैं। कनेकेला समिति शेरगांव महासमुंद ब्लॉक से विक्रेता पुष्पलता साहू। मैं 10 साल से विक्रेता के पद पर कार्यरत हूँ। नारी शक्ति, नारी शक्ति, जिंदाबाद पुष्पलता साहू, जिंदाबाद पुष्पलता साहू, जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद हम सब एक है, हम सब एक है। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। पूरी करो छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमार मुखिया, ऐसे करे सियानी काका सबो धान ला सरो डरे, ऐसे करे सियानी काका सबो धान ला सरो डरे, आधा खा के मुसवा।
के सबो धान बुरा ला बरो डरे, कैसे करे सियानी कका सबो धान ला सरो डरे। धान ला सरो डरे से हाँ, और कर्मचारी मन ला पूरा कर्जा में डूबो डरे। धान सड़े थे, पहली बार धान सड़े सुने हूँ आप मन भी, पहली बार ही धान सड़े। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, हम वही कर्मचारी हैं जो मर्यादा के अंतर्गत में रह करके काम करते हैं, और हमारी मर्यादा पूर्वक मांग को सभी ने, मैंने इस मांग को लड़ने के लिए, शायद इसमें नरेंद्र भाई वगैरह भी उसमें रहा होगा, भोपाल तक की यात्रा के लिए अपन लोग गए थे, और हमारे प्रिय मित्र ने इशारा दिया मुझे, आंदोलन में जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, महासमुंद मध्य प्रदेश का जब शासन चलता था, उस समय से हम लोग लड़ते लड़ते और राधेश्याम शर्मा जी के इशारा में मंदिर हसौद में हम लोगों को 22 दिन के जेल यात्रा के भी, उसमें हम लोग जेल यात्रा भी किए हुए हैं। भला बताइए ये साधारण पीड़ा है क्या? मेरे को तो लगता है कि ये तो घोर पीड़ा है, और इस पीड़ा को साल पर साल, वर्ष पर वर्ष हम चिल्लाते चिल्लाते आ रहे हैं। मित्र लोग आप ध्यान देंगे, यहाँ पर अच्छे अनेक प्रकार के पार्टी के नेताओं भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको करबद्ध प्रार्थना भी करता हूँ, निवेदन करता हूँ उनका, और जिसने हमारे मनोबल को, हमारे संघ के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे साथ कंधे में कंधा मिला करके हमारे इस यहूदी को सफल बनाने के लिए आए हैं, वह जो है सम्माननी है, हमें उनका हृदय से मैं उनका आभारी हूं। प्रिय मित्रों, यह बड़ा आश्चर्य और अजीब की बात है, मैंने अपनी जीवन काल में देख लिया एक झाड़ू लगाने वाले संघ बना हुआ है, अरे और तो नाली साफ करने वाले का संघ बना हुआ है, सभी ने अपने संवैधानिक मांग के लिए आंदोलन किए हैं, और सभी का कुछ न कुछ, कुछ न कुछ उन लोगों की मांग पूरा हो जाता है। मैं छोटे स्तर से ले लिया हूं, झाड़ू पुहारने वाले, बर्तन मांजने वाले, नाली साफ करने वाले, इन तक कभी इन लोगों ने मांग को पूरा करते मैंने देखा हूं। दुर्भाग्य है कि कितना पापी हो गए सहकारी समिति के कर्मचारी, पता नहीं वरुण देव उठ गया है कि कामदेव उठ गया है, कि पता नहीं कुबेर भगवान उठ गया है, या यहाँ बेईमानी करने वाले नेता उठ गए हैं, ये हमारे समझ से परे हैं। सभी का मान पूरा होते देखा गया, लेकिन सहकारी समिति के कर्मचारियों को आज तक इज्जत के दृष्टि से किसी ने नहीं देखा, किसी ना अधिकारी देखा है, ना कोई प्रशासनिक देखा है, ना शासन देखा है, कोई नहीं देखा इनको सम्मान की दृष्टि से। मैं सादर प्रणाम करता हूँ, हमारे बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी संघ के सबको पदाधिकारी गण, आदरणीय हमारे निर्मल भैया भी आए, एक बीच में हमारे लंबा चर्चा भी हो रही से, अध्यक्ष मन के महाअध्यक्ष आदरणीय निर्मल भैया जो धमतरी जिला के अध्यक्ष है, हमारे साथ में आए हुए हमारे गरीब मन जिला के सबको अध्यक्ष के महाअध्यक्ष आदरणीय फगन यादव जी भी है। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे हड़ताल चल रहा है, मैं बता दूं कि यह हड़ताल सहकारी समितियों का है, जो पूरे छत्तीसगढ़ का हड़ताल है, बहुत भीड़ है, बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत कर्मचारी लोग आए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत ही नाइंसाफी किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मैं बता दूं कि अभी सूखा है, उसका भरपाई
तो प्रबंधक महोदय के द्वारा और समितियों को ऊपर डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही नाइंसाफी है। इस प्रकार बहुत बहुत कई ऐसे चीज़ है जो शासन जो नहीं मान रहे हैं, इसलिए किया गया है, जो कि 8 तारीख से है और अनिश्चितकालीन है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग को भटकना पड़ेगा और धान खरीदी 1 दिसंबर से है, तो अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में लगे हुए हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कौन सही कौन गलत है, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।